अगला सवाल ले लेते हैं और अश्विनी कमाते जी ने हमें सवाल भेजा है यूट्यूब पर, एनबीसीसी है इनके पास और 144 पे इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है और आज हम देख रहे हैं एनबीसीसी ये थोड़ा नीचे भी आ गया है। आयुष जी क्या सलाह देंगे आप अश्विनी जी को, 144 पे लिया था और आज हम देख रहे हैं कि 3% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में इनकी खरीद है, तो ये आज जो करेक्शन आया है इसमें क्या करें, स्टॉप लॉस भी बताइए और नेक्स्ट टारगेट क्या देख रहे हैं आप कंपनी में? एनबीसीसी अभी जो डेली चार्ट पे थोड़ा सा वीक हो गया है, इसमें 147.80 148 रुपीज का ग्रेशन है स्टॉक। जैसे ही स्टॉक 148 के ऊपर निकलेगा तभी स्टॉक में नई रैली आएगी, लेकिन अभी यार इसमें ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई भी स्टॉक ने बना दिया है, तो मुझे लगता है आज स्टॉक में और थोड़ा प्रेशर रह सकता है और 130 तक के लेवल पे ही आ सकता है। अगर 130 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है स्टॉक में से एग्जिट कर लेना चाहिए और नीचे में 110 रुपीज के आसपास स्टॉक में वापस री एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, तो एनबीसीसी पर ये खास नजरिया, बेहतर रणनीति आपके लिए। बढ़ते हैं आगे।